वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। मेरा नाम गीता रानी शर्मा है। आप भारत कांग्रेस से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको टिकट हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, मैं लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी और मेरे जो फादर हैं वो भी लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, और आज से समथिंग 30 साल पहले मेरी पार्टी से, मेरे परिवार से लोग पार्टी के लिए शहादत भी हुए। जो मेरे ताऊ जी थे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और कांग्रेस पार्टी के लिए शहादत भी हुए। लेकिन मतलब मैं एक ऐसी सदस्य हूँ जो किसी और पार्टी में कभी जा नहीं सकती। क्यों? अगर इसलिए नहीं जा सकती हूँ क्योंकि एक वो बात आ जाती है कि बुजुर्गों के नाम पे कलंक। हाँ, फिर पढ़ी लिखी लड़की हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट भी रही हूँ और स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हूँ। पिछली बार भी ट्राई किया, नहीं दिया पार्टी ने मौका। पूरी मेहनत के साथ आप कहाँ से दावेदारी कर रही हैं? बुलंदशहर सदर से किया है। और जब अनूप सैर दीदी का प्रोग्राम हुआ था, खूब 8-10 गाड़ी भर के महिलाएं ले गई थी मैं। लेकिन क्रेडिट किसी को भी हुआ, प्रियंका गांधी जी। प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती। हाँ, 40% महिलाओं को लड़ाने की बात की गई जी। यहाँ 2 महिला प्रत्याशी हैं जो अभी उतारे। जब दावेदारी हुई थी तब कहा था 3 महिलाओं को उतारेंगे और हम लोगों से तैयारी के लिए बोला गया था। इतनी दुखी किस लिए हैं बताएं? दुखी इसलिए नहीं हूँ, मैं दुखी इसलिए हूँ, मैं एक ऐसी कैंडिडेट हूँ कि जो किसी दूसरी पार्टी में कभी जा नहीं सकती हूँ। प्रियंका गांधी आपको सुन रही हूँ तो क्या कहना चाहेंगे आप बताइए? चलो, प्रियंका गांधी आपको सुन रही हो तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी सर्वे के आधार पे टिकट होना चाहिए था। जिन लोगों ने रियल में मेहनत की थी, जो सर्वे लिस्ट थी उसके बेसिस पे टिकट होना चाहिए था। सिकंदराबाद से राकेश भाटी ने बहुत मेहनत की थी, बेचारे को टिकट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो ईमानदार था, उनने मेहनत की, उससे घूस मांगी होगी, वो नहीं दे पाया। कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है, मोर्चा खोलने जा रही है? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि मैं रियल में लड़की हूँ, इसलिए लड़के दिखा रही हूँ दीदी को कि लड़की सच में ही लड़ सकती है। किसी दल का समर्थन चाहती हैं? नहीं, मैं किसी दल का समर्थन नहीं चाहती हूँ, मैं अकेली ही लड़ूंगी और जिस दिन तक मेरा चुनाव लास्ट होगा उस दिन तक मैं भूख हड़ताल पे भी रहूंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, ये मेरा भगवान भोले की कसम खा के कह रही हूँ। मैं खाना नहीं खाऊंगी उस दिन तक। मेहनती लोगों को पूछा नहीं जाता, इस क्षेत्र से निकाल के एक तरफ कर दिया जाता है। कांग्रेस तो कहती है कि संगठन के लोगों को मौका दिया जाए, कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। जो पुराने कांग्रेसी हैं देखिए, मेरे जो फादर हैं लंबे समय से किसी पार्टी में नहीं गए हैं, कांग्रेसी थे हैं रहेंगे। मैं एक लड़की हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट भी रही हूँ, सर्वाइव अपना जीवन चलाने के लिए इंसान जॉब भी करता है, जीवन यापन करने के लिए इंसान जॉब भी करता है, मैं जॉब में भी रही हूँ, मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से ही कांग्रेसी हूँ। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।